अगर आप फ्रीलांस राइटिंग करना चाहते हैं या कोई भी असाइनमेंट राइटिंग कवर करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का आपके पास राइटिंग का स्किल है तो आप यहाँ पे काम करके घंटे के हिसाब से $25 से लेके $35 तक कमा सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि राइटिंग करके पैसे कैसे कमाने हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है राइटिंग वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे 67 मोर जॉब्स आ रही हैं, लेकिन आज हम लोग काम करेंगे फ्रीलांस ऑनलाइन राइटिंग का। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेकंड पे दिया हुआ है फ्रीलांस ऑनलाइन राइटिंग का काम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती हैं, न्यू जॉब अलर्ट का यहाँ पे इन्होंने बटन दिया गया है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी न्यू जॉब पोस्ट होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी राइटिंग की जॉब है, कोई भी आप राइटिंग का काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई स्किल है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए असाइनमेंट्स का काम है, असाइनमेंट्स राइटिंग का काम है, फ्रीलांसर का काम है, टेक्निकल राइटिंग का काम है। तो आज हम लोग फ्रीलांस ऑनलाइन राइटिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक अप टू स्टाफ वेबसाइट है इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, एक अप्लाई डायरेक्टली इनकी जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, तो आपने अप्लाई डायरेक्टली ऑन जॉब वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं, आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टेड आपको दिया जाता है $25 से लेके $35 तक, आपको घंटे के हिसाब से दिया जाता है, वो भी राइटिंग की जॉब करके। उसके अलावा यहाँ पे और भी इनकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं, स्किल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब का बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे इनकी नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपके सामने कोई ऐड आता है तो आपने उस ऐड को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे अब आपने कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे आपने अपना नेम देना है, नेम देने के बाद आपने अपनी वैलिड मेल देनी है, वैलिड मेल देने के बाद अप्लाई टुडे वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई टुडे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो आपने वो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एक वीक के अंदर कितने घंटे अवेलेबल हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपने वो मैंशन करना होता है। एक वीक के अंदर आप 20 घंटे काम करेंगे, 50 घंटे काम करेंगे, 30 घंटे काम करेंगे, जितने घंटे आप काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं मैक्सिमम, वो आपने यहाँ पे उतने घंटे मैंशन करना होता है। उसके बाद आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आपने इसको यस ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपसे टाइप पूछी जाती है कि आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है या फोन है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपने फोन को चेक कर देना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने साथ लैपटॉप को भी चेक कर देना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि लैपटॉप और फोन दोनों को चेक कर दें। उसके बाद यहाँ पे इस वाले स्किल्स को आपने यस ही रहने देना है क्योंकि आपके पास स्किल्स है। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यू हैव बीन अप्रूव्ड, यहाँ पे आपको कम से कम जो है वो 4 से 5 मिनट लगेंगे। और उसके बाद इस तरह का SMS जो है वो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप अप्रूव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो मेन रिस्पॉन्स किया जाएगा वो आपकी मेल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो आपने अपनी वैलिड मेल दी थी उसी के हिसाब से आपको जो है वो आपका पेमेंट मेथड भी बताया जाता है कि आपने किसके थ्रू अपनी पेमेंट को रिसीव करना होता है और कैसे अपनी पेमेंट को आप यहां पे रिसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने वर्क कौन सा करना होता है उसके बारे में आपको बताया जाता है। और इसके अलावा अगेन भी यहां पे काफी ज्यादा जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका होता है अप्लाई करने का, जैसे देखें 1 मिनट के अंदर अंदर हमने एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया। जैसे कि मैंने असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अप्लाई ऑन डायरेक्टली, ये भी नीचे एक जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये कराची के अंदर है, ठीक है। आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं असाइनमेंट राइटिंग के लिए, तो यहाँ पे देखें ये वेबसाइट जो है हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ हेडिंग बनाई हुई है, कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, यूनिवर्सिटी जॉब आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पे इन्होंने कुछ आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं, इनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि किस तरह आपने
यहाँ पे वर्क करना है और किस तरह यहाँ पे आपने सबमिट करवाना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जॉब है, ठीक है, और ये 76,000 से लेके 91,000 तक आपको दे रहे हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसी तरह आपके सामने एड आएगा और यहाँ पे सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिनको आपने आपने अपनी जस्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है और आपने इन सारी चीजों के ऊपर अप्लाई कर लेना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक किया, अगेन मेरे सामने ऑप्शन जो है वो आ चुका है। ये इनकी सारी की सारी जो है रिक्वायरमेंट आ जाती है, ये देखें जॉब ओवरव्यू आ जाता है, ठीक है। आपने अगेन अप्लाई फॉर जॉब वाले बटन पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप ईमेल के थ्रू अपनी डिटेल को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर द जॉब ईमेल योर डिटेल टू एडमिन। अब यहाँ पे आगे इनकी मेल लिखी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो आपको आपकी जीमेल के ऊपर ले जाएगा और वहां पे जस्ट आपने अपनी फाइल को अटैच कर देना होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी असाइनमेंट्स का सैंपल पड़ा हुआ है तो आपने उसको अटैच कर देना होता है और साथ आपने अपना नेम वगैरह मेंशन करना होता है, आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है, उसी आपने मेल के थ्रू यहाँ पे अपनी फॉरवर्ड करनी होती है। और जैसे ही आप उनको मेल करेंगे तो वो भी आपको मेल के थ्रू ही रिस्पॉन्स करेंगे। उसमें यह है कि आप अपना नंबर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, आप अपने नंबर के थ्रू जो है वो आप, इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो मेल यूज़ नहीं करते, तो आप अपना नंबर भी दे सकते हैं ताकि आपको आपके नंबर के थ्रू जो है वो रिप्लाई किया जा सके। और इसके अलावा अगर आप कोई भी असाइनमेंट राइटिंग आर्टिकल राइटिंग का वर्क करना चाहते हैं, वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपने उसको लाजमी से वॉच आउट करके उसके ऊपर अप्लाई करना है।